वरुण धवन अपने फैंस को हर बार धोखा दे जाते हैं। उनके फैंस जब भी उनसे सगाई या शादी की पार्टी मांगते हैं, वरुण हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर बचकर निकल जाते हैं। इस बार जब मीडिया वालों को पता चला कि वरुण अपने परिवार के साथ अपनी दोस्त नताशा के घर पहुंचे हैं, तो सभी को लगा कि ये जरूर दोनों की सगाई से जुड़ा कोई फंक्शन होगा। फिर क्या था, मीडिया वालों ने वरुण को नताशा के घर के बाहर घेर लिया। कई दिनों बाद वरुण की गाड़ी जुहू में नताशा दलाल के घर के बाहर आकर रुकी थी। वहां पहले से मौजूद मीडिया के कैमरामैन ने गाड़ी को घेर लिया और ताबड़तोड़ फोटो खींचने में जुट गए। इस बीच एक गाड़ी से करण जौहर और डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी नताशा दलाल के घर पहुंचे। करण ने कढ़ाई वाला काला कुर्ता पहन रखा था, जबकि मनीष भी काले कुर्ते पैजामे में नजर आ रहे थे। नताशा के घर अचानक मेहमानों को आता देख मीडिया वालों के कान खड़े हो गए और कहा जाने लगा कि ये पार्टी वरुण और नताशा के रोका के लिए हो रही है। एक ने वरुण और नताशा की तस्वीर के साथ लिखा, प्यारी जोड़ी को बधाइयां। एक फैन ने लिखा, सबसे खूबसूरत जोड़ी। एक ने लिखा, जाने कब से इंतजार था। लेकिन एक फैन ने लिख दिया, ये अफवाह है। एक ने अंदर की खबर मिलने का दावा किया और लिखा, ये बर्थडे पार्टी थी, गलत खबर ना दे। हालांकि इससे पहले एक वेबसाइट पर वरुण के माथे पर तिलक देखकर दावा किया गया कि वो नताशा का हाथ मांगने के लिए उनके घर पहुंचे हैं। रोका समारोह का आयोजन चल रहा है। इसके बाद वरुण ने बिना देर किए ट्वीट किया और लिखा, अरे दोस्तों, इससे पहले कि आप अपनी कल्पना को कुछ ज्यादा ही तेजी से दौड़ाएं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बर्थडे पार्टी थी। साफ कर दूं कि झूठी खबर फैलाई गई है। इस बीच नताशा के घर से मेहमानों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन नताशा और वरुण के रोके और सगाई की अटकलों ने उनके चाहने वालों को फिर से चर्चा का मौका दे दिया। ये वरुण और नताशा का साथ दोस्ती से आगे बढ़कर रिश्ते में नहीं बदल पा रहा है। यहाँ तक कि कभी कभार तो उनके साथ काम करने वाले लोग भी उनसे शादी का सवाल पूछ लेते हैं। भाई एक बात पूछना है, वरुण भाई एक बात पूछना है। पूछो क्या? शादी कभी है आपकी? वैसे वरुण और नताशा कब शादी करेंगे, इसके बारे में फिलहाल अटकलों से आगे कुछ नहीं बढ़ पा रहा है। हाँ, बस ये पक्का है कि वरुण जब दुल्हनिया ले जाएंगे तो वो नताशा ही होंगी।